अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है सभी को, आज जो है अलविदा है, अलविदा का जुमा है और हमारी तरफ़ से आप सभी लोगों को अलविदा जुमा मुबारक हो। और हम जो है नहा धो के रेडी हो चुके हैं और नमाज का ही वक्त होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह जो है अलविदा जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। और जो है आज क्या क्या होता है, आज अलविदा का दिन है और हमारे साथ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और उसी का है जो हमारे आगे है और जो हमारे पीछे और जो इसके दरमियान है। ये हमारे जो है सोनी भाई आए हैं अब तैयारी लेके। और आज हमने सोचा क्यों ना आज मस्जिद में जो है अब तैयारी का जो है एक ब्लॉग बनाया जाए। आज अलविदा का जुमा भी है और आज थोड़ी अब तैयारी भी ज़्यादा आती है अलविदा वाले दिन। ये देखो एक बच्ची और आई है लेके अब तैयारी। ये कबीर खड़े हुए हैं और ये उस्मान खड़े हुए हैं। लेट जाने वाले ले पकड़ो, इनके पकड़ो, टाइट भी नहीं करते। ले बेटा पकड़ो जो ऊपर की। छोटे किसकी है? किसकी है? ले नहीं दादा नहीं, पकड़ो पकड़ो भैया, पकड़ो पकड़ो दो है। ये माशाल्लाह आज तैयारी जो है खूब आती हुई, क्योंकि आज अलविदा का जुमा है, लास्ट जुमा है। तो आज के दिन जो है मंझले रोज़े को और अलविदा रोज़े को वैसे भी तैयारी बहुत ज़्यादा आती है। कल जो थी 25वीं शबे कदर थी तो हमारी मस्जिद में जो है दाल गोश्त बना था। जैसे ये प्लेटें लगती हुई और अफगान प्लेटें लगा रहे हैं। माशाल्लाह आज तैयारी जो है खूब आ रही है, क्योंकि अलविदा का जुमा है, लास्ट जुमा है ये। इधर सादिक बैठे हुए हैं। और ये बैठे हुए हैं फैज, इमरान के बड़े साथ जाते हैं। ये तुम्हारी भले खाली नहीं कर पाया, दे दो तुम यार फुरकान दे ना दिल्ली यार दे बेटा। जी है तुम्हारी दिनों से सोच रहे थे एक मस्जिद का जो है अफ्तारी का भी ब्लॉग बनाया जाए, तो हमने सोचा जो है आज अलविदा का जुमा है, आज मौका ये अच्छा है, आज जो है एक छोटा सा जो है अफ्तारी का भी ब्लॉग जो है बना लिया जाए। और हम आपको जो है बहुत जल्दी अपने ब्लॉग में पूरी मस्जिद जो है आपको दिखाएं। इंशाअल्लाह जो है 27वीं शब कदर को जो है हम आपको जो है पूरी मस्जिद जो है दिखाएंगे, हमारी कैसी मस्जिद है, कितनी अच्छी बनी हुई है, सब दिखाएंगे। इधर
मंझले रोजे को और अलविदा के रोजे को बिरयानी बहुत आती है, ज्यादातर हर घर में बिरयानी बनती है, तो बिरयानी खूब इकट्ठा हो जाती है मस्जिद में, और माशाल्लाह सभी लोग खाते हैं जो जितने भी रोजेदार होते हैं। और ये आप देख रहे हैं, देखिए कितनी अफ्तियारी आई है, पूरी पूरी प्लेटें फुल लगी हुई हैं। ये बिरयानी है, ये रोटी रखी हुई है, कब रखोगे रोजा? अगली साल रखोगे? हाँ ठीक है, इंशाल्लाह अगली साल रोजा रखना। बच्चों से ही मस्जिद में रौनक होती है, हर जगह बच्चों से रौनक आते हुए। ये हमारे जो है हाफिज मुहासिब साहब आ चुके हैं मस्जिद में, और ये वाकई में जो है बहुत मस्जिद की देख रेख करते हैं। अल्लाह ताला इनको जो है तरक्की दे, कामयाबी दे, और बेचारे हमारे मस्जिद की बहुत जो है देख रेख करते हैं। हमारे ये मस्जिद के मौजिन साहब भी हैं, ये अजान भी देते हैं ये, और काफ़ी ख्याल रखते हैं मस्जिद का, बहुत अच्छी तरीके से जो है देख रेख करते हैं। देखिए ये आते ही जो है मस्जिद में पंखा चल रहा था, फौरन उन्होंने जो है पंखे को बंद करा, हालांकि हम पंखे को बंद करने जा रहे थे, मगर वो जैसे ही हमने पूछा हाफिज़ जी नहीं आए, तो हाफिज़ जी की उम्र जो है अच्छी खासी बढ़ी है, नाम लेते ही हाफिज़ जी हाजिर हो गए। अब मगरिब के बाद जाते हो गए या ईशा के बाद ही जाते हो गए? सीधे सीधे ईशा के बाद जाते हो गए, बताइए। ये असर से पहले के आए हुए हैं, मगरिब असर भी यहीं, मगरिब भी यहीं, ईशा पढ़ के इंशाल्लाह ये यहाँ से निकलेंगे, और फिर फजर में फिर ये इंशाल्लाह आ जाएंगे यहाँ पर। ये अब तैयारी लग चुकी है, हमारे जो है हाफिज जी साहब बैठे हुए हैं, मोहसिन साहब, और हमारे ये दूसरे मोहसिन साहब हमारे आरिफ भाई, माशाअल्लाह जो है ये भी बहुत ख्याल रखते हैं मस्जिद का, और अजान भी देते हैं। हमारे हाफिज जी नहीं होते तो हमारे आरिफ भाई अजान देते हैं, और जो है बहुत ही मस्जिद की देख रेख भी रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। प्लेटें लग चुकी हैं, आरिफ भाई आज कितने बजे अजान है? छः बज के 34 मिनट पे जो है आज अफ्तार है, 6:34 मिनट पे रोज़ा खोला जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं, रोज़े का ही वक्त हो चुका है, और 6:34 मिनट पे अफ्तार है, और रोज़ा खोलने का जो टाइम है वो सिर्फ 4 मिनट बाकी रह गए हैं रोज़ा खोलने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने घर पे, हम भी रोज़ा खोलते हैं चल के इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं आपसे। वीडियो अच्छी लगी हमारी तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।